गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम चेंज ऑफ वॉइस में जो हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड फ्यूचर इंडेफिनिट किया था, उससे आगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज ऑफ वॉइस किस प्रकार से करते हैं आज हम ये सीखेंगे। देखिए वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आपने थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना है। देखिए कि ये मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी में क्या है, जब कोई काम पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, जैसे मैंने खाना खा लिया है, यानी कि खाना मेरा खाया, खाना अब नहीं बचा है, मैंने खाना खा लिया है और मेरे को ये काम करने की इच्छा नहीं है, यानी कि मेरा कार्य पूरा हो गया है, उसने लेसन याद कर लिया है, उसने पाठ पढ़ लिया है, जहां पर लिया है, चुका है, चुके हैं। हिंदी में इस प्रकार से वार्तालाप जब हम करते हैं तो ये समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका था, चुके थे, लिया था, ले कर ली थी, तो कोई भी चीज है, खाना खा लिया था, पुस्तक पढ़ ली थी, इस प्रकार की, तो वो समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो वह उसने कर लिया होगा, खा लिया होगा, कर चुका होगा, तो इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट की बात है। और जहां पर कर लिया है, खा लिया है, कर चुका है, स्नान कर चुका है, पढ़ चुका है, लिख चुका है, पेपर दे चुका है, किसी भी प्रकार की बात हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी एक बात, सीधी सी बात आपने याद रखनी है कि जब कोई भी काम चाहे भूतकाल में समाप्त हुआ है, चाहे वर्तमान में समाप्त हुआ है, चाहे समाप्त हो जाएगा, तो वो समझ रहे हैं कि वो परफेक्ट है, काम पूर्ण है वो। अब देखिए कि सिंपल सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ये तो मैंने पहले ही बताया है, उसके बाद हैज एक वचन सब्जेक्ट के साथ और हैव बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आता है, ये तो आप पहले जानते हैं कि जब एक वचन होगा तो हैज होगा, ही सी इट या कोई भी सिंगल नेम, यदि प्लूरल सब्जेक्ट या प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन है, तो वहां पर हैव लगेगा, सीधी सी बात है, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है, ये तो ग्रामर का नियम है कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर वर्ब लगेगी, और बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको मैंने यहां पर लिखा है, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहां पर ए लेट ऑब्जेक्ट है। अब हमने इसको क्या करना है, देखिए क्या करना है, यहां पर मैंने पहले लिखा है कि ऑब्जेक्ट को पहले मैं बता चुका हूं सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे, तो यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट था मैं उसको यहां ले आया हूं, सीधी सी बात है, हैज हैव का हैज हैव ही रहेगा, यदि सब्जेक्ट जो चेंज होकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा और वो जो सिंगल नाउन होगा तो हैव हैज लगेगा, प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। अब देखिए यहां पर हैज हैव हो गया, केवल इसमें एक ही डिफरेंस है, बी डबल ई एन बीन का प्रयोग करना है, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए लगती है और ये सब्जेक्ट लगता है। अब देखिए कैसे करते हैं, आई हैव रिटन ए लेटर, सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ए लेटर, एल ई डबल टी ई आर, ए लेटर, ए लेटर यहां पर क्या है, सिंगल एक है, इसलिए हैज
एच ए एस हैज। फिर जैसे मैंने बताया बी डबल ई एन बीन का प्रयोग करना है, इन लेटर हैज बीन, बी डबल ई एन बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यहां दी हुई है, रिटर्न का रिटर्न आ जाएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस में तो एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म होती है और पैसिव वॉइस में तो सभी में थर्ड फॉर्म होती है। लेटर हैज बीन रिटर्न, रिटर्न। फिर प्रीपोजिशन, मैंने जैसे आपको पहले बताया है प्रीपोजिशन लगेगी और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगेगा, जो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज कर देंगे, आई का मी होगा, ही का हिम होगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू रहेगा, दे का देन और सी का हर, ही का हिम। तो यहां पर आई का क्या बन गया, मी। तो क्या बन गया, ए लेटर हैज बीन रिटर्न बाय मी, और ये चेंज ऑफ वॉइस कंप्लीट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए इसी का देखते हैं, यहां पर दी मिनिस्टर, यहां पर मैंने हैव के उदाहरण दिया था, यहां पर हैज का देखिए, दी मिनिस्टर सिंगल सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर हैज लगा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड की है, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड किया। तो इसको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले द प्राइजेस को हम शुरू में ले लेंगे। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं द प्राइजेस, प्राइजेस। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर था, द प्राइजेस यहां सब्जेक्ट के जगह पर आ गया है, तो द प्राइजेस क्या बन गया, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या कहा है मैंने, हैव लगेगा, एच ए वी ई है, द प्राइजेस है, और है के बाद बी डबल ई एन बीन लगाना है, और बी डबल ई एन बीन के बाद बी, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यहां पहले ही दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे, और बाय के बाद जो यहां पर सब्जेक्ट दिया था वो अब ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, बाय द मिनिस्टर, एम आई एन आई एस टी ई आर, तो ये यहां पर मिनिस्टर आ जाएगा, इसलिए ये भी चेंज ऑफ वॉइस कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे चेंज ऑफ वॉइस करते हैं, पास्ट परफेक्ट में यहां पर मैंने रूल लिखे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, एच ए डी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, लिखा ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखिए और जब हम चेंज ऑफ वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो यहां पर है यहां पर आ जाएगा, हेड का हेड रहेगा, केवल बीन का प्रयोग किया जाएगा, बी डबल ई एन बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो यहां सब्जेक्ट था वो यहां सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब देखिए इस सेंटेंस को, यहां पर मोहन सब्जेक्ट है और यहां पर हेड हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन है और लंच यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब जब चेंज ऑफ वॉइस करेंगे तो वही नियम को फॉलो करेंगे, लंच का लंच आ जाएगा शुरू में ही, लंच हैड बीन टेकन बाय मोहन, मोहन कहां से आया, मोहन यहीं पर यहां आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन यहां थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, हेड का हेड, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी हम चेंज करते हैं परफेक्ट टेंस में केवल हेड ही लगता है, और एक्टिव वॉइस में भी हेड लगता है और पैसिव वॉइस में भी हेड लगता है, तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे। अब एक सेंटेंस और देखिए, हैड यू स्कोर्ड ए गोल, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी
ऐसा ही है, हेड पहले है तो पैसिव वॉइस में पहले आएगा हेड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ए गोल ऑब्जेक्ट है तो हेड ए गोल, हेड ए गोल। तो इसके बाद बी डबल ई एन लगेगा, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म कौन सी है, स्कोर्ड है तो स्कोर्ड का स्कोर्ड आ जाएगा एस सी ओ आर ई डी स्कोर्ड। यू का यू आएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करता तो यू का एक्टिव में भी यू ही रहता है और पैसिव में भी यू ही रहता है। यू ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव भी यू है और ऑब्जेक्टिव भी यू है, बाई यू का यू रहेगा। अब देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बात याद रखनी है हमने, सब्जेक्ट के साथ विल और सेल लगा होगा, सेल के साथ हैव भी लगती है और जब हैव लगती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। अब जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाया तो यहाँ पर रख दिया, फिर विल और सेल का प्रयोग करेंगे, हैव लगेगा, फिर बी डबल ई एन बी इन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी वाई बाई ये प्रीपोजिशन है और फिर सब्जेक्ट लगेगा। अब हम इसको बनाते देखिए, ही विल हैव लर्नड ए लेसन, इसको हम चेंज ऑफ वॉइस से एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इसको हम शुरू में ही ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ए लेटर का ए लेसन, ए लेसन, ए लेसन शुरू में आ गया। फिर यहां पर क्या है, विल है तो विल लगेगा, विल हैव लगेगा और इसके बाद बी डबल ई एन लगाना है, बी डबल ई एन बी, तो इसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ये पहले दी हुई है एल ई ए आर एन के लरेंट, तो इसको लरेंट लिख देंगे, फिर बी वाई बाई प्रीपोजिशन होगी और ही को किस में बदलेंगे, मैंने पहले ही बताया ही को हिम में चेंज करेंगे तो यहां पर बाई हिम आ जाएगा, वेरी सिंपल। अब देखिए एक सेंटेंस और लिखते हैं, वी सेल हैव प्लेड हॉकी, यहां पर फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और विल लगता है, सेल का प्रयोग होता है आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यहां पर एक एग्जांपल दिया है, देखिए वी सेल हैव प्लेड हॉकी, जब ये हॉकी क्या है, यहाँ पर हॉकी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगी, यहाँ पर चेंज ऑफ वॉइस करेंगे जब एच ओ सी के ई वाई हॉकी। अब यहाँ पर मैंने बताया कि जो सेल है वो पर्सन के साथ लगता है और वो भी फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, इसलिए यहाँ पर हॉकी के साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग होगा, हॉकी विल हैव और फिर बी डबल ई एन बी, जैसे मैंने पहले ही बताया बी डबल ई एन बी हॉकी विल हैव बीन प्लेड, पर भी थर्ड फॉर्म पहले ही दी हुई है प्लेड, फिर प्लेड के बाद बाई प्रीपोजिशन लगेगी और बाई प्रीपोजिशन के बाद वी को किस में चेंज करेंगे, वी को अस में चेंज करेंगे और उसके बाद में अस लग जाएगा। अब ये कंप्लीट हुआ चेंज ऑफ वॉइस में। अब एक बात जो मुख्य बतानी रह गई, जो मैंने कल भी बताई थी कि यदि मान ले नोट वाले वाक्य आ जाते हैं एन ओ टी, नोट केवल हैव नोट या हैज नोट, यहां भी उसी के साथ ही हम विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, बीन से पहले लगाएंगे, हैव नॉट बीन, शैल नॉट बीन, इस प्रकार से हैज हैव नॉट बीन। जैसे यहां पर देखिए, मान लीजिए यहां पर आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, यहां पर मैं नोट लिख देता हूं एन ओ टी नॉट, तो आपने जब चेंज ऑफ वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, ए लेटर has not यहां लिखेंगे, been और has के बीच में, been और have के बीच में ही not का प्रयोग होगा। तो यहां पर ये बिल्कुल सिंपल है, तो ऐसे हम चेंज ऑफ वॉइस करेंगे, केवल not का प्रयोग इसी प्रकार से होगा, चाहे वो past perfect है चाहे वो
फ्यूचर परफेक्ट है चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें भी ऐसे ही होगा। द प्राइस द मिनिस्टर हैज, यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पर नोट आ जाएगा, प्राइजेस हैव नॉट बीन। इसी प्रकार से मोहन हैड नॉट टेकन लंच, यहाँ मान लीजिए नॉट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ जब चेंज ऑफ वॉइस करेंगे तो यहाँ नॉट लग जाएगा, एनओटी नॉट, तो वेरी सिंपल। इसी प्रकार से जब हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे तो सेल और विल के बाद सेल नॉट, सेल हैव नॉट का प्रयोग होगा, सेल हैव नॉट, विल हैव नॉट। यहां पर देखिए सेल हैव नॉट या विल हैव नॉट, तो यह भी इसी प्रकार से बीन से पहले एन ओ टी नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं तो सेल या विल फ्यूचर परफेक्ट में पहले आ जाएंगे, उसी प्रकार से निम्न शुरू होगा। हैज और हैव परफेक्ट टेंस में पहले आ जाएंगे, हैड पास्ट टेंस में पहले आ जाता है। इस प्रकार से वो वेरी सिंपल मेथड है इसको याद करने का और प्रैक्टिस करने का। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और ये सब एक्सरसाइज करके अपने टीचर्स को दिखाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।